एक्टर के लिए फाइट जरूरी है क्या? बहुत जरूरी, अगर उसको एक्शन स्टार बनना है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये पढ़ा तो इसका रिएक्शन आना। ओके नेक्स्ट। मैं बोला ना मेरे को भी मार दो आपको क्या करें? सर ओके जो करें। यस। मिस्टर मिस्टर दो बता दो बता क्या मार लो बता कौन? देखो फर्स्ट वन पहले स्टेट है। टू थ्री बस फोर यस। इसलिए मुझे देना जो पंच जान जा रहा है उसका जो अलर्ट रहना सबसे पहले। जो पंच जैसे बड़ा आर्टिस्ट है और छोटा है तो बड़ा आर्टिस्ट की जो गलतियां होगी वो देखी नहीं जाएगी, पर जो छोटा आर्टिस्ट गलती करेगा उसको पकड़ा जाएगा। तो जैसे आप ये पंच मारा ये ठीक है, दूसरा ये गया ये ठीक है। अभी ये तीन पंच है। अभी जैसे मान लो मैं बड़ा आर्टिस्ट हूँ, कोई भी बड़ा स्टार है, अभी मैंने ये पंच मारा ठीक है, अभी वो सामने वाले को मैंने ये पंच मार दी, तो उसको ध्यान देना कि कौन सा पंच आ रहा। अधिकतर गलती क्या होती है, जैसे सेटअप हो गया पंच वन टू थ्री ठीक है, फिर तीन पंच उनको याद हो गए। अभी मैं ये मारा वन टू थ्री तो मिस्टेक कहाँ हो जाएगी, मेरी गलती नहीं देखी जाएगी, उसकी गलती देखी जाएगी। उसको किस तरीके से रिएक्शन देना है मारो। और मैं रुका हूं इसमें, मैं वेट कर रहा हूं, अब वेट नहीं करना मुझे मार। अभी रिएक्शन रहेगा फुल। क्या बात है यार, जोरदार तालियां। देखो जब सर करके दिखा रहे हैं तब और आप जब कर रहे हो तो फर्क है ना, एक एकदम प्रोफेशनल फाइट की तरह उनका लग रहा है, वही अपने को प्रैक्टिस कर करके मास्टरी हासिल कर रही है। ठीक है, आ जाओ करके वापिस। नेक्स्ट देखो जितना है जोर से पंच आ रहा है उतना इम्पैक्ट वो तेरे आपके ये बोल रहा है आना चाहिए, उतना ही मुंह पे पावर पंच का इम्पैक्ट उतना चाहिए। मैं अगर स्लो हूँ सामने वाला अगर स्लो है तो स्लो ही जाऊँ, मैं अगर फास्ट हूँ स्पीड हूँ मार उसे ही करूँ। काम सीधे ही होते हैं। हाँ ये बड़ा हाँ क्रिएटर है तुरंत उसे मार खाने के लिए। वाह ऐसे लेके चले जाओ, एक जैप मार रेडी वन टू थ्री यस। हाँ लेकिन इधर इसके बाद में कुछ फॉल ऑल होता है इसके लिए। रुको जरा सबर करो। वन वन टू थ्री यस। आपको भी स्टेप लेना आपको बच्चों मारता है ना स्टेप जो है मेंटल है।
1 2 3 हर कोई स्टंट मैन बन सकता है? हर कोई स्टंट मैन बन नहीं सकते, लेकिन कर सकते हैं। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुबह में जल्दी उठना है, प्रैक्टिस करना है, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। देखने के लिए बहुत आसान लगता है, पर जब करेगा तो मालूम पड़ेगा। जैसे फिल्मों में आप देखते हो, अधिकतर हीरो मार रहा है, वो गिर रहा है, किस तरीके से वो पावर के साथ जो मार रहा है हीरो, उससे कई गुना ज़्यादा स्टंटमैन गिरता है उसके साथ, रिएक्शन के साथ। तो उसके पीछे वो स्टंटमैन की बहुत मेहनत रहती है, समझ गए? तो उसी तरह आपको भी ऐसी मेहनत करनी और आगे बढ़ना है और अच्छा एक्टर आर्टिस्ट बनना है। एक्टर के लिए फाइट जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, अगर उसको एक्शन स्टार बनना है तो। जैसे आज के दौर में टाइगर हो गया, विद्युत हो गया, अक्षय कुमार तो ऐसे ही है स्टार, और एक्शन अच्छे एक्शन करते हैं, अजय देवगन सर है, ऐसे बहुत से अपने स्टार है फिल्मों में जो एक से बढ़ के एक एक्शन करते हैं और सबका मनोरंजन करते हैं और सबके मन में जज्बा जगाते हैं। आपने जिनके साथ काम किया होगा या जिनके बारे में आप बताना चाहोगे उनकी क्वालिटीज? हमारे तो जैसे हम आज से नहीं, बचपन से जैसे देखते आ रहे हैं, अजय देवगन सर, अक्षय कुमार हो गए, सनी सर हो गए, संजय दत्त हो गए। क्या खासियत है? कोई एग्जांपल देके, कोई शूट का एक्सपीरियंस बता के अगर बता सकते तो। जैसे हमने अजय सर के साथ में काम किया तानाजी में, तो काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ में काम करके। बहुत मेहनती है सर, बहुत मेहनत करते हैं, और उनको देख के हम लोग को और मन में वो होता है कि अगर सर इतना कर सकते हैं तो फिर हम लोग को कितनी मेहनत करना है। जैसे हम लोग कॉमन मैन ये सोचता है कि बड़े बड़े एक्टर एटीट्यूड में, हीरोगिरी में रहते होंगे सेट पे, वैसा नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो बड़े आर्टिस्ट है वो उनके ऐसे रहते वाले की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत मान सम्मान है, बहुत अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट करते हैं। इस फिल्म में जो दिखाया जाने वाला एटीट्यूड है वो उनका किरदार है, रोल है, हाँ, लेकिन तो रियल लाइफ में वो अपने जैसे ही, अपने जैसे नॉर्मली सेट पे आपको शूटिंग में बहुत हेल्प करेंगे वो लोग, बहुत मैनेज भी करेंगे। गलती होती है तो वो बताएंगे कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे, क्योंकि उनका तो पूरा लाइफ इसी में निकला है, इसी में निकला है। और हम क्या नए हैं, आज कोई भी जाता है कोई चीज़ सीखने के लिए, नया ही होता है ना, करते करते वो फिर सीखता है, तब वो दूसरे को सिखा सकता है।